चलिए, तो हमारे साथ स्टूडेंट है, एशिया टेलीकॉम के नेटवर्किंग की क्लास थी और हमारे साथ में स्टूडेंट है, देखते हैं ये यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट है, टीचर नहीं है, और ये एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने नेटवर्क सेक्शन। सर, सबसे पहले तो देव सर के लिए थैंक यू, जिन्होंने सर हमें जो नेटवर्क सेक्शन था वो एक्सप्लेन हम आज कर पा रहे हैं, वरना हमें खुद को पता नहीं था कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। सर, सबसे पहले इस सेक्शन को कंप्लीट होने के लिए सर 8 ICU की जरूरत होती है। ओके। और सर उन सब की अलग अलग प्रोटोकॉल्स होती हैं जी, अलग अलग सप्लाई होती है, अलग अलग डिमांड होती है सर उनकी। Yes. और सर सारी ICU को ऑपरेट करने के लिए या मान लो इनेबल करने के लिए CPU की कमांड्स होती हैं। Okay. इसको सर हम RFFE SCL और SDL बोलते हैं। वेरी गुड। तो सर सबसे पहले हमारी कोई भी ICU जिसको वोल्टेज की नीड होती है सर, तो हमारी 3 ICU होती है जिनको वोल्टेज की मतलब 4 point की नीड होती है, जो सर DC to DC IC से जाता है, जिसमें सर अपना 2G PA होता है। Okay. जिसमें फॉरवर्ड जाता है DC to DC IC से, एंड सर 4G PA Okay. होता है, उसमें सर DC to DC का फॉरवर्ड जाता है, और अपना सर एप्टीट्यूड एटी वोल्टेज इस IC में भी फॉरवर्ड जाता है सर। ओके ओके। देन सर इससे 0.5 से 4 volt तक का आउटपुट होके सर 4G PA के अंदर जाता है सर। ओके। और सर इसके बाद सर अपनी पावर से 1.8 और 0.9 की दो सप्लाई जाती है, जो सर RFIC के अंदर जाती है। ओके। और सर फिर पावर से अपना 1.8 एप्टीट्यूड IC में जाता है। ओके। सर इसके बाद पावर से अपना एक 1.8 अपना 4G PA के अंदर जाता है, और सर पावर से अपना एक 1.8 अपना 2G PA के अंदर जाता है। सर फिर इन सब में सर एक पावर के पास अपना एक जो क्रिस्टल होता है जो फ्रिक्वेंसी के लिए काम करता है, उस फ्रिक्वेंसी के लिए सर अपने पावर से एक लाइन जाती है जो सर RF के पास जाती है, जो सर RF में जाकर कनेक्ट होती है पावर से, जो अपना जिससे सर अपना बेसबैंड अननोन का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है सर। क्रिस्टल ऑसिलेटर। यस सर। शुक्रिया। और सर यही सब कुछ जो मतलब जो चीज जो भी चालू होती है नेटवर्क वगैरह आते हैं सर, उसके लिए CPU अपनी कमांड देता है, और सर सारी IC अपने प्रोटोकॉल के तहत अपना काम करती है, और सर हमें नेटवर्क मिलते हैं। इसमें सर देव सर ने हमें बहुत डीपली नॉलेज दी, जिससे सर हम आज तक जो चीज में उलझते रहते थे ना सर, अब नहीं उलझेंगे। आज से मैं देव सर से और एशिया टेलीकॉम और पूरी दुनिया से वादा करता हूँ। थैंक यू देव सर। थैंक यू। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो, और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है।